Can you hear my heartbeat calling? Can you feel the love we're falling? Just take my hand and take me home tonight. So guys, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कैसे आप स्किन मास्क घर पे बना सकते हो जो आपको इंस्टेंट ग्लो देगा और सारे इंग्रेडिएंट घर पे आसानी से मिल जाएगा. सो गाइस, मैंने एक बाउल में लिया है एक चम्मच मैदा, यानी ऑल पर्पज़ फ्लार या रिफाइंड फ्लार. उसके बाद मैं ले रही हूँ एक चम्मच बेसन यानी ग्राम फ्लार, और इसके बाद मैं ले रही हूँ चावल का आटा, जिसका मतलब क्या होता है इंग्लिश में, राइस फ्लार. और इसके बाद मैं इसमें डालूँगी आधा लेमन का जूस. इसे अच्छी तरीके से निचोड़ लेना है, इसका जो अच्छे अच्छे विटामिन है ना, वो सारे इस पैक में होने चाहिए. उसके बाद इसमें हम डालेंगे टमेटो जूस. तो मैंने एक रॉ टमेटो यानी कच्चा टमेटो लिया, उसे ग्राइंडर में अच्छी तरीके से ग्राइंड कर लिया और स्ट्रेनर की मदद से उसका सारा जूस निकाल के इसमें डाल देंगे. सो एक टमाटर का पूरा एक टमाटर का जूस डालेंगे इसमें. और उसके बाद इसमें कच्चा मिल्क ऐड करेंगे 2 से 3 चम्मच, जिससे इसका एक पेस्ट बन जाए और हमें एक थिक पेस्ट बनाना है जो हमारी स्किन के ऊपर रहे. और गाइस, इस फेस मास्क को हमें आधा घंटा के लिए लगाना है, और उसके बाद जब ये ड्राई हो जाएगा तो रगड़ रगड़ के निकाल देना है, क्योंकि ये एज अ स्क्रबर भी काम आएगा, हमारी स्किन को बहुत अच्छी तरीके से एक्सफोलिएट भी करेगा. सो गाइस, मैदा हमारे फेस पे बहुत अच्छा ग्लो लाता है और डिटैन करता है. मैदे के बहुत सारे ब्यूटी बेनिफिट्स है, इससे पिंपल्स और एक्ने मार्क हट जाता है. इसमें बहुत विटामिन होता है जो कोलाजिन को इम्प्रूव करता है और आपकी स्किन को यंग फील करवाता है. राइस फ्लावर यानी चावल का आटा के बहुत सारे एब्जॉर्बिंग बेनिफिट्स है, मतलब ये हमारे फेस से एक्सेस ऑयल को सोक कर लेता है और पोर्स को ब्लॉक करता है और पिंपल्स रिमूव कर देता है. एक्सेस ऑयल हमारी स्किन को डार्क बना देता है, और इसीलिए ना ये राइस फ्लावर जो है ना, वो हमारी स्किन को इतना अच्छे से नरिश करता है और एकदम फ्रेश लुक देता है. बेसन हमारे एक्ने से फाइट करता है, और इसके अंदर जिंक होता है जो इन्फेक्शन से ना लड़ाई करता है और एक्ने को हटा देता है और टैन भी हटा देता है और डेड स्किन को अच्छी तरीके से एक्सफोलिएट भी करता है. ये हमारे फेस से छोटे छोटे फेशियल हेयर को भी रिमूव कर देता है और इंस्टेंट फेयरनेस लाता है. लेमन जूस एक एंटीऑक्सीडेंट है, इसमें नेचुरली विटामिन सी होता है, ये स्किन डैमेज को कम करता है और एंटी एजिंग से बचा देता है. इसमें पीएच लेवल बहुत हाई होता है, इसीलिए फेस से ऑयल भी रिड्यूस कर देता है. मिल्क जो है ना, वो एक नेचुरल फेस क्लिंजर है और एक बहुत अच्छा मॉइस्चराइज़र भी है. हमारे टैन को लाइट करता है और डेड स्किन सेल्स को एक्सफोलिएट करता है और सनबर्न से छुटकारा भी देता है. टमेटो में लाइकोपीन होता है जो एक एंटीऑक्सीडेंट है, जो हमारी स्किन को डैमेज से बचा देता है और ओपन पोर्स को भी रिड्यूस करता है और ब्लैक हेड्स को भी रिड्यूस कर देता है. सो गाइज, इसके बेनिफिट्स बहुत बहुत सारे हैं, और इसीलिए ये मास्क बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल भी है. सो गाइज, अब आप देख सकते हो मेरी स्किन अच्छी तरीके से ड्राई हो गया है, जो मैंने मास्क लगाया है वो अच्छी तरीके से सूख चुका है, और अब इसे अच्छी तरीके से पानी से हमें वॉश करना है. तो मैं फेस को पहले थोड़ा गीला कर लूँगी और उसके बाद अच्छी तरीके से मैं रगड़ूँगी. लेकिन हाँ, मेक श्योर कि आप बहुत ही लाइट हैंड से स्क्रबिंग करें. चावल का आटा थोड़ा सा ग्रैन्यूल्स होता है, जो हमारे फेस से बहुत अच्छा स्क्रबिंग का काम करता है, फेस से जितने भी डर्ट होते हैं ना, वो निकाल देता है. सो इसे अच्छे से साफ़ कर ले, क्लीन कर ले. और गाइज, मैं अभी फेस वॉश करने जा रही हूँ. आप देखिए कि मेरी स्किन जो है वो कितना अच्छे से ग्लो कर रहा है, प्रॉपरली आप देख सकते हो मेरा स्किन. सो गाइज, मैं वापस से वॉश करके आ गई, एंड नाउ चेक इट आउट. वाओ. सो गाइज, आप देख सकते हो मेरे फेस पे इंस्टेंट ग्लो आ गया, और अभी मेरे फेस पे कुछ नहीं है. लेकिन मास्क लगाने के बाद अपने फेस को ऐसे नहीं छोड़ना है, कुछ भी आप लगा सकते हो. तो मैं यहाँ पे एलोवेरा जेल ले रही हूँ, सो दैट मेरी स्किन थोड़ी हाइड्रेट फील करे, बिकॉज ये बहुत ज़रूरी होता है. और अगर आपने मेरी कल वाली वीडियो देखी थी ना, तो आपको पता होगा कि ये वाटर बेस्ड एलोवेरा जेल है और मुझे बहुत पसंद है, तो इसे मैं अपने फेस पे लगा लेती हूँ जस्ट इन केस कि मेरा फेस जो है ना, वो एक्स्ट्रा हाइड्रेट फील करे. अगर आपके पास एलोवेरा जेल नहीं है गाइस, तो आप कोई भी मॉइस्चराइज़र क्रीम लगा सकते हो, जो कि अगेन वाटर बेस होना चाहिए, क्योंकि वो आपकी स्किन पे ज़्यादा भारी नहीं होता है, बहुत ही लाइट होता है और आपकी स्किन को हाइड्रेट, स्मूथ और कोमल बनाने में काफ़ी हेल्पफुल होता है. सो गाइस, एलोवेरा जेल को एकदम आराम आराम से लगाना है, एकदम जेंटली. Can you hear my heartbeat calling? Can you feel the love we're falling? Just take my hand and take. So guys, I'm done.
सो गाइज, अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ जरूर शेयर करें। और अगर आपको अच्छा लगा तो इसी तरीके से मैं बहुत सारी फेस मास्क, हेयर मास्क और बहुत सारे ब्यूटी टिप्स और हैक्स आप लोगों के लिए लेकर आऊंगी। सो गाइज, मुझे नीचे कमेंट में जरूर बताएं सो दैट मुझे भी पता चले कि आप लोगों को अच्छा लग रहा है। सो मैं इसी तरीके के वीडियोस और भी बनाऊंगी। टिल देन, बाय बाय, स्टे कनेक्टेड, स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ, बाय बाय।